और इसके साथ हम बना रहे हैं एक मद्रासी झींगा बना रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार मद्रासी झींगा की करी बना, झींगा करी। ठीक है जी, आपके सामने शाहताज कुकिंग ऑयल डाला और उसके अंदर मैंने प्याज को चॉप करके डाल दी। ये फ्राई हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम झींगे को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट क्या, इसमें से थोड़ी सी, बहुत सारे लोग कह रहे थे स्मेल आ रही होती है, ठीक है। इस स्मेल को दूर करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें हल्दी डालनी है, ठीक है। लेमन जूस आप ले लीजिएगा, साथ में आपने अदरक लहसुन। बाद में इसको मैं छन्नी में रखूंगी तो ये एक्स्ट्रा जो इसके अंदर पानी है, इसका ये जो स्मेल है, ये सारी निकल जाएगी। आजकल थोड़ा सीजन है तो ये सी फूड बहुत महंगा है, हर मछली देखो, ये देखो काफी महंगी आ रही है। और ये सीजन ही जाहिर है खाने का होता है, और गर्मी में तो इतने ज्यादा खाते ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसलिए। अच्छी तरह से इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है प्याज, शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज डाला है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, और इंग्रेडिएंट्स पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, बता चुकी हूँ, ठीक है। हाँ, लाल मिर्च, ये पिसा नारियल, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे। ये मेरे पास है कड़ी पत्ते, ये आप ले लीजिएगा 4 से 6, ये मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ, ज़रा इसका फ्राई होगा तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास है एक अदर तेज़पत्ता, बे लीव्स है, ये हम इसमें डाल देते हैं। साथ में मेरे पास है ये गोल वाली मिर्चें, ये हम इसके अंदर डालते हैं, थोड़ा ये फ्राई होगा। अच्छा जी, अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने प्याज डाला शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर, तेज़पत्ता डाला, उसके साथ गोल मिर्चें डाली, साथ में मैंने कड़ी पत्ते डाली, ठीक है। अब मसालों की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास है हल्दी, पिसा नारियल, अदरक लहसुन, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, नमक बहुत कम डालूंगी इसलिए कि तेज ना हो जाए। इसके बाद ये टमाटर तकरीबन 2 अदद, ये पूरा मसाला, ये टोमेटो पेस्ट, ये होती है टोमेटो पेस्ट, ठीक है, थिक वाली टोमेटो पेस्ट। अब मैं जरा सा आपको भी जवाब देती हूँ। चलिए जी, ये पूरा मसाला हमने ज़रा सा इसको तैयार करना है। एंड में हम इसमें झींगे डालेंगे, इसलिए एंड में डालेंगे कि वो है, आपको पता, ज़्यादा पकाने से रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। बस ये मसाला बड़े मज़े का तैयार हो रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको रखेंगे छन्नी में, ताकि ये जो अभी आपके सामने मैंने अदरक लहसुन हल्दी और लेमन जूस डाला है, इसका ये जो पानी है एक्स्ट्रा निकल जाए, ठीक है। चलें जी, ये रख दिया हमने। चलें जी शैला, सुने, सुना दे, सुना दे। हेलो जी जी, बोले बोले। मैंने कहा था आमचूर पिसी हुई खटाई, जो मैंने नहीं डाली वो मैं अभी इसको ऊपर से डालती हूँ और इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। इससे बड़े मज़े का टेस्ट आता है, और अगर नहीं है तो ना भी डाले, कोई इतना ज़्यादा नहीं है।